इस बार के ई व्हीकल एक्सपो में बहुत सारे व्हीकल को लॉन्च किया गया है, पर बात करें स्पीगो की तरफ से लॉन्च हुए व्हीकल की, तो आपको मैं दिखाना चाहूंगी ये जो मेरे सामने रेड कलर का स्पीगो का ई व्हीकल है। आप इसकी डिजाइन देखिए जो बहुत ही ज्यादा डिफरेंट है, और रेड कलर में ये व्हीकल बहुत ही अलग लुक दे रहा है। रेड के साथ साथ यहाँ पे एक ब्लू कलर का भी ई व्हीकल स्पीगो की तरफ से लॉन्च किया गया है जो मेरे लेफ्ट साइड में है। तो स्पीगो की बात हो रही है तो स्पीगो की तरफ से इस बार ई व्हीकल के कई सारे वैरायटी को लॉन्च किया गया है जो आप तस्वीरों में साफ देख सकते हैं। और इस वक्त मेरे साथ ई व्हीकल के डायरेक्टर अमन गोयल है, जिनसे जानते हैं कि इस बार के ई व्हीकल में स्पीगो की तरफ से क्या कुछ खास, क्या कुछ डिफरेंट चीजों को लॉन्च किया गया है। और पब्लिक के हिसाब से देखें तो पब्लिक वही चाहती है कि भैया बैठने में कंफर्टेबल हो। और यदि लुक की बात करें तो मैंने आपको लुक दिखाई दिया है कि इसका लुक बहुत ही ज्यादा डिफरेंट है। सबसे पहले तो बहुत बहुत वेलकम करती हूँ आपका आनंद टीवी में। क्या कुछ इस बार खास है स्पीगो की तरफ से? जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हर साल स्पीगो अलग अलग व्हीकल को लॉन्च करता है, तो इस बार के ई व्हीकल में क्या कुछ खास है आपके तरफ से? थैंक यू सो मच मैम। एंड मैम, इस बार भी हम लोग हर बार की तरह कुछ ना कुछ इनोवेटिव आइडियाज़ लेके आए हैं। इनोवेटिव आइडियाज़ में हर साल हम लोग पहले आयरन बॉडीज़ में अपने फ्रेम्स बनाते थे, बॉडी चेसिस बनती थी, ई रिक्शाज बनते थे। अब हमने इसमें स्टील का इंट्रोडक्शन कर दिया है। एक न्यू कंसेप्ट है पर्टिकुलरली मार्केट के लिए, स्टील आ गया है इसमें। अब जो स्टील इसमें आया है मैम, इसकी आप फिनिशिंग देखेंगे, इससे एक तो लाइफ ड्यूरेबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। एंड इसमें कर्व्ड एजेस कर दी हैं सारी हमने, ये जितनी भी एजेस हैं सारी कर्व्ड हैं, इससे कोई डैमेज नहीं होगा, किसी के कपड़े नहीं अटक के फटते हैं। एंड कई बार देखा जाता है कि हम स्पेशली लड़कियां जो होती हैं वो बैठती हैं तो दुपट्टा है या साड़ी का पल्लू है वो ज़रा फंस जाता है। ये बेसिकली लेडीज़ को ही माइंड में रख के ये डिज़ाइन किया गया है, बिकॉज हमारे पैसेंजर्स मेनली लेडीज़ ही ज़्यादा होते हैं। आप बैठ के देख भी सकते हैं एक बार इसमें कितना कंफर्टेबल जी। बिल्कुल, तो बैठ के देखते हैं कि ये कितना ज़्यादा कंफर्टेबल है जी। हाँ, तो सीट की बात करें तो नो डाउट सीट जो है वो बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल है, और अंदर से ये बहुत ज़्यादा स्पेसियस भी नज़र आ रहा है। और ख़ास बात ये भी नज़र आ रही है कि जो भी कस्टमर्स होते हैं, जो पब्लिक होती है, जो ई व्हीकल में सवार होकर अपने डेस्टिनेशन तय करती है, तो उनके लिए ये होता है भैया इतना ज़्यादा ट्रैफिक है तो कुछ हैंग अपने मतलब पकड़ने के लिए कुछ हो, तो ये हैंडल भी दिख रहा है जो बहुत अच्छा है। पर इसकी बॉडी की बात करें, अपर बॉडी की, तो ये किस चीज का बना है, कितना टाइम लगता है ऐसे ई रिक्शा को बनाने के लिए? अपर बॉडी में पहले हम लोग इसका फाइबर का यूज करते थे, जो हम रूफ होती है हमारी। अब ये रूफ हमने आयरन में डेवलप कर दिया है, एकदम नया कंसेप्ट है ये आयरन में रूफ का, और बहुत मॉडर्नाइज करते जा रहे हैं हम इन चीज़ों को। टाइम फ्रेम की अगर हम बात करें तो प्रोडक्शन हम लोग जो लेके चलते हैं उसके अकॉर्डिंग ही कंप्लीट करते हैं उसको मैच करने के लिए। एंड असेंबलिंग में अराउंड 4 to 5 hours लग जाते हैं। अभी सिटिंग अरेंजमेंट की बात करें तो मैं तो बहुत कंफर्टेबली बैठी हूँ, और मतलब पूरे इस ई व्हीकल में कितने लोग आराम से बैठ सकते हैं इंक्लूडिंग ड्राइवर? मैम, अगर हम कैपेसिटी की बात करें तो बैठ तो आराम से इसमें 3+3 पीछे बैठ सकते हैं, एंड ड्राइवर आगे बैठ सकते हैं, बट एज पर नॉर्म्स हम लोग 4+1 अलाउड करते हैं। तो बैटरी की कैपेसिटी क्या है, कितने टाइम तक इसको चार्ज करना पड़ता है? बैटरीज मैम इसकी वन सिंगल चार्ज में 120 to 125 kilometers तक का हमें रन देती हैं। एंड इसको डेली बेसिस पे चार्ज करते हैं, डेली बेसिस पे कंज्यूम करते हैं जी। तो मैं चाहूँगी कि एक बार आप ड्राइवर वाला एरिया भी हमारे व्यूवर्स को दिखाएं कि वो कितना ज़्यादा कंफर्टेबल है और वो कितना ज़्यादा स्पेसियस है। पर उसको दिखाने से पहले मैं अपने सारे व्यूवर्स को इसके लुक को लेकर एक बार फिर से दिखाना चाहूंगी कि बिल्कुल कवर्ड है। आजकल के जो भी ई व्हीकल आ रहे हैं वो आप देखेंगे उसमें जो ऊपर से कवर किया रहता है वो पूरा कवर्ड होता है, ताकि किसी भी पैसेंजर को, किसी भी लोगों को कोई परेशानी ना हो। तो जी, ड्राइवर की सीट की मैं बात कर रही थी, और इसके मोटर की बात करूं या इसके पार्ट्स की बात करूं तो क्या कुछ उसमें खासियत है? मैम, पार्ट्स में मेनली जो हमारी खासियत है, हम लोग सारे पार्ट्स कस्टमाइज अपने स्टैंडर्ड्स के हिसाब से बनवाते हैं, अपने टेक्निकल स्टैंडर्ड्स के हिसाब से। लाइकवाइज जैसे कि आप देख भी सकते हैं, इसके जो शॉकर्स हैं वो हमारे प्रॉपर ब्रांडिंग में कंपनी के मोल्ड्स बने हुए हैं, उसके अकॉर्डिंग बन के आते हैं। इसके जो आप देख सकते हैं स्विचेज हैं, स्विचेज वगैरह पे कंपनी का प्रॉपर ब्रांडिंग आता है। यहाँ पे स्पीगो लिखा रहेगा हर जगह पे। मीटर्स हैं, मीटर्स में स्पीगो लिखा रहेगा। सेम वेज मोटर्स हैं, कंट्रोलर्स हैं, उन सब पे स्पीगो लिखा रहता है। ये हमारे फ्रंट गार्ड्स आ जाते हैं, उस पर भी स्पीगो लिखा रहता है। एंड मैट्स हैं, मैटिंग की भी प्रॉपर हमने मोल्ड्स बनाए हुए हैं अपने। सारा प्रोडक्ट्स कस्टमाइज बनाते हैं ताकि अच्छी क्वालिटी हम कस्टमर को सप्लाई कर सकें जी। और मैं देख रही हूँ कि कस्टमर को एंटरटेन करने के लिए यहाँ पे म्यूज़िक सिस्टम भी लगा है जो आजकल देखने को नहीं मिलता, तो इसकी क्या खास है? मैम, म्यूज़िक सिस्टम एक एंटरटेनमेंट का बहुत अच्छा साधन है, जो कि जब पैसेंजर जाते हैं एक जर्नी पे जाते हैं तो म्यूज़िक से ही एंटरटेन होते हैं सब लोग। तो मैं भी चाहूँगी कि आप इसकी म्यूज़िक सिस्टम को थोड़ा सा चला के दिखाएं। ये
देख सकते हैं मैम आप, इसकी साउंड भी बहुत अच्छी आ रही है एंड म्यूजिक सिस्टम एक बहुत अच्छा क्वालिटी का हम लोग ने लगाया है इसमें, ताकि अच्छा एंटरटेनमेंट हो। भाई आप कहीं ट्रैवल कर रहे हैं और आप यदि अपने रास्ते में बोर होना चाह रहे हैं तो अब आपको बोर होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप सुन रहे हैं कि इसका म्यूजिक सिस्टम कितना अच्छा है, म्यूजिक सिस्टम कितना लाउड है और आपको बहुत ही क्लियरली वॉइस जो म्यूजिक का है वो सुनाई दे रहा है। पर अमन जी, यदि मैं पब्लिक की सेफ्टी की बात करूँ तो सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें क्या कुछ आपने डिजाइन किया है? सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से मैम, एक फायर को लेके बहुत सेफ्टी मेजर्स चाहिए होते हैं, उसके लिए हमने इसमें फायर सिलेंडर लगाया है जो फायर एक्सटिंग्विशर का काम करता है, इन केस अगर कोई इमरजेंसी होती है तो इसको यूज करके रिक्शा पुलर उनको सेफ कर सकते हैं। और मैं सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये कवर्ड भी देख रही हूँ, शायद ये भी कई बार ऐसा होता है कि हवा चल रहा है, धूप आ रहा है, पोल्यूशन बाहर से यदि कोई पोल्यूशन आ रहा है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से ये कवर लगाया गया है, इसे मैं देखना चाहूँगा। मैम ये कवर है, ये अगर हम इनको सबको ओपन कर देते हैं तो ये पूरा कवर होके पूरे ई रिक्शा को कवर कर देता है हमारा, अगर बारिश है, कुछ भी है, धूप है, एनीथिंग है, तो उसमें मतलब सबको सेफ्टी मिलती है। और हम फोल्ड इसे इसलिए रखते हैं ताकि हमारे जो लेडीज़ पैसेंजर्स हैं या कॉलेज के बॉयज़ हैं, गर्ल्स हैं, वो लोग एक सेफ महसूस करें इन ओपन एटमोसफेयर। तो पब्लिक के हिसाब से भी देखते हुए बहुत सारी सेफ्टी की चीज़ें यहाँ बनाई गई है। पर यदि टायर की स्पेशली बात करूँ तो टायर जो मुझे तो इतना ज़्यादा आइडिया नहीं है, पर मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि टायर की कैपेसिटी क्या है, क्या पावर है, और यदि स्पीड की बात करूँ इसकी तो ये कितनी स्पीड में ये चल सकती है? मैम स्पीड इसमें 25 किलोमीटर पर आवर की रहती है। एंड टायर्स की अगर हम बेसिकली बात करें तो टायर्स हम लोग सारे ब्रांडेड यूज़ करते हैं, आप देख सकते हैं सीएट कंपनी का टायर्स यूज़ करते हैं हम सारा, आज की डेट में ई रिक्शाज में नंबर वन सप्लायर्स हैं हमारे लिए ये लोग। एंड बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, लोड कैपेसिटी भी बहुत अच्छी है, इसमें साइज़ भी अलग अलग मैटर करते हैं, हम सबसे बिग साइज़ का एंड सबसे ड्यूरेबल प्रोडक्ट लेते हैं सीएट से भी। एग्जैक्टली, और मैं ये भी देख रही हूँ कि स्पीगो की तरफ से ये मोरनी का भी एक ब्रांड जो है वो लॉन्च किया गया है, तो मोरनी में और स्पीगो के ये स्टील बॉडी जो आपने दिखाया इसमें क्या डिफरेंस है? मोरनी अपने आप में कितना ज़्यादा खास और अलग है? मैम मोरनी सबसे पहले तो नाम से ही सब लोग हमारे बहुत पसंद करते हैं एंड बहुत लोकप्रिय मॉडल है हमारा मोरनी, हमेशा से हमारे कस्टमर्स की डिमांड रहती है। इसको भी अब हमने नया मॉडल इसका लॉन्च किया है, जो इसमें हमने स्टील वर्जन कर दिया है इसको पूरा, एसएस पे हमारा फोकस बहुत ज़्यादा है इस बार, और क्योंकि एसएस की स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होती है एंड उसमें एक अच्छी फिनिशिंग आती है बहुत निकल के, उसकी सुंदरता भी बहुत अच्छी आती है, और इसी के साथ हमने एसएस को करते हुए इसके कुशन्स भी बहुत हैवी कर दिए हैं, सारे कुशन्स में हमने इसके एक बहुत अच्छी क्वालिटी की फॉर्म आती है वो यूज़ की है, जिससे कि लॉन्ग लाइफ ये कुशन्स कभी भी डैमेज नहीं होंगे एंड ऐसे ही लॉन्ग लाइफ चलते रहेंगे। एंड साथ में मैम इसमें जैसे हम लोग आप देख सकते हो, अगर हम अंदर देखेंगे तो इसमें बैटरीज़ के लिए हमने बहुत अच्छा स्पेस दिया हुआ है, दो बैटरीज इसकी बैक में आ जाती हैं, प्रॉपर क्लैंपिंग्स के साथ आती है ताकि कोई एसिड या कुछ भी डैमेज ना करे किसी के कपड़ों को या खुद ई रिक्शा को भी। बैटरीज दो लगाने के बाद में हम लोग दो बैटरीज हमारी आगे भी आ जाती हैं, यहाँ पर आती हैं ये दो बैटरीज, फोर बैटरीज में कंपैटिबल ई रिक्शाज हैं हमारे, 48 वोल्ट्स में हम इनको रन करते हैं। इसके साथ में अगर हम लोग फ्रंट की बात करें अगर, तो फ्रंट में हमारे ड्राइवर बॉक्स के अंदर हमने इसके कंट्रोलर्स दिए हैं, कंट्रोल्स हैं एंड साथ में एक बहुत अच्छा स्टोरेज स्पेस दिया है हमने इसके अंदर, जो ये स्टोरेज स्पेस इसमें आ जाता है इतना अच्छा, इसमें ड्राइवर अपना लंच बॉक्स है, उसका पानी है, उसके कुछ कपड़े हैं, जैसे आजकल ठंड बहुत है तो सर्दियों में वो अपने लिए कुछ स्वेटर या कुछ भी रख सकते हैं। तो इसी के साथ मैं आपको ये भी बोलना चाहूँगी कि ड्राइवर के स्पेस की तो बात हो गई, पर यदि कोई पब्लिक है जो ट्रैवल कर रहा है, आप कोई पैसेंजर जो है ट्रैवल कर रहा है, उसके लिए भी स्पेस की कैपेसिटी ऊपर जो है आप रूफ टॉप में देख सकते हैं कि बहुत स्पेसियस है, जहाँ पे आप अपने लगेज को भी रख सकते हैं। इसको भी आपने डिज़ाइन किया होगा, इसकी कोई खासियत कुछ अलग? इसकी मैम खासियत मेनली यही है, बहुत से ई रिक्शा रेलवे स्टेशन के आसपास चलते हैं, जहाँ पे पैसेंजर्स बाहर से आते हैं उनके पास हैवी लगेजेस होते हैं, अगर एक पैसेंजर एक हैवी लगेज रख के ई रिक्शा में बैठ जाता है तो बाकी लोग बैठने में थोड़ा अनकंफर्टेबल होते हैं, तो इसलिए हमने लगेज के लिए एक सेपरेट उनको सेक्शन दे दिया है, वो ऊपर उसको अनलोड कर सकते हैं, तो ऊपर लगेज रख के नीचे इजीली कंफर्टेबली सारे पैसेंजर्स बैठ सकते हैं। तो 2019 में जहां ई रिक्शा का बहुत ज़्यादा डिमांड बढ़ता ही जा रहा है, उसी के साथ 2019 में ई स्कूटी को भी लॉन्च किया गया है, तो स्पीगो की तरफ से जो ई स्कूटी लॉन्च की गई है वो मैं आपको दिखाना चाहूँगी। ये आप देख सकते हैं कि व्हाइट कलर का बहुत ही छोटा सा प्यारा सा जो ई स्कूटी आप मेरे सामने देख रहे हैं, ये स्पीगो की तरफ से लॉन्च किया गया है, जिसकी मैं लुक की बात करूँ, आप देख सकते हैं बेहद स्टाइलिश लुक में इसे लॉन्च किया गया है, डिज़ाइन किया गया है, जो दिखने में बहुत ज़्यादा
ज्यादा प्यारा लग रहा है। और कलर की बात करें तो आप ये व्हाइट कलर देख रहे हैं, पर मेरे राइट साइड में आप देख सकते हैं कि एक रेड कलर की ई स्कूटी जो नजर आ रही है वो भी इस बार लॉन्च किया गया है। डिजाइन की बात करें तो आप देख सकते हैं कि डिजाइन जो है वो बहुत ही डिफरेंट है, बहुत ही स्टाइलिश है। लाइट्स आप देख सकते हैं कि लाइट्स भी कितनी अच्छी तरीके से चमक रहा है। उसकी लुक की बात करें तो लुक नो डाउट बहुत ज्यादा अट्रैक्ट कर रहा है, बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव इस बार की ई स्कूटीज में बहुत सारे चीज़ों को लॉन्च किया गया है। और इस वक्त मेरे साथ स्पीगो की तरफ से तरुण गोयल जो कि डायरेक्टर हैं वो मौजूद हैं। सर, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि इस बार की ई जो स्कूटीज़ आपने लॉन्च की हैं, क्या डिफरेंसेस हैं और क्या खासियत है इस बार की स्कूटीज़ में? इस बार हमने जैसे चार मॉडल्स लॉन्च किए हैं और मेन जो हमारा मॉडल आया जैसे स्पोर्ट्स बाइक में हमने लॉन्च किया है, जो एपे बीटर के नाम से हमारा लॉन्च हुआ है। ख़ास तौर पे इसमें जो हमने इम्प्रूवमेंट किया है, आपके जितने भी जैसे जो भी आइटम्स आएंगे वो स्पीगो ने कस्टमाइज कर दिया है, चाहे चार्जर हो, चाहे मोटर हो, चाहे कंट्रोलर हो। एंड दीज ऑल मॉडल्स आर नॉन पोल्यूटिंग, तो इसमें लिथियम बैटरीज, लेड एसिड, हमने दोनों सपोर्ट आपको प्रोवाइड किए हैं। फिर इसमें जितना भी डीएलएल्स जो आता है आपका, जो एलईडीज हो गया, सारा डीएलएल्स बेस्ड है, जो एलईडी लाइट्स आपका आएगा, तो वो सारा इंप्रूवमेंट्स करके हमने लॉन्च किए हैं। और कैटेगरी वाइज हमने ऑलरेडी चार मॉडल्स इसमें आपको दिए हैं। जी, तो चार मॉडल लॉन्च हुए हैं, पर यदि मैं सिर्फ इस मॉडल की बात करूं तो ये क्या है, इसकी क्या खासियत है डिज़ाइन वाइज, कैपेसिटी वाइज, एंड कितने घंटे इसकी बैटरी को चार्ज करनी पड़ती है, कितना ज़्यादा मॉडिफाई करके इसे लॉन्च किया गया है? इनकी बैटरीज को 6 to 7 hours आपको चार्ज करना होता है। इसमें माइलेज अप्रॉक्सीमेटली 65 to 80 किलोमीटर्स का आपका माइलेज आता है। अगर इसकी बात करें डिज़ाइन की, तो ये आपका जो मेन जो है क्या होता है कि स्टेयरिंग में हमने इसमें लाइट आपको इनबिल्ट दिया है। अभी ज़्यादातर इलेक्ट्रिक स्कूटीज में क्या होता है कि आपको लाइट स्टेयरिंग में नहीं आता है, तो जब आप हैंडल टर्न करते हैं तो यू लूज द लाइट, जो आपका जो फोकस जाता है, तो वो एक इम्प्रूवमेंट खास तौर पर इसमें किया गया इस मॉडल में। और फिर आपको डबल LED लैंप्स आएगा इस मॉडल में, जो हमने इम्प्रूवमेंट किया है, तो यही इस मॉडल की खासियत है मेन। ये हमारा स्पोर्ट्स मॉडल है, जो फ्यूचर कंसेप्ट एक तरह से जो हमने टारगेट किया है। इसका डिज़ाइन और लुक बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाया गया है रखते हुए, ये यूथ को टारगेट करके स्पेशली फोकस में निकाला गया है। स्पेशली इसके आप DRLs हेडलैम्प्स देखेंगे, ये आगे से जो इसका लुक आएगा बहुत ज़्यादा स्पोर्टी और एनहांस्ड लुक बनाया गया है। इसमें आपका सारा LED बेस्ड है, कहीं पर भी इसमें जो आपका जो बल्ब होते हैं वो इस्तेमाल नहीं किए गए हैं। फ्यूल सेविंग है, कॉस्ट इफेक्टिव है, बैटरीज पे बेस्ड है, तो नॉन पोल्यूटिंग है, तो यही इसके सारे फीचर्स हैं। और मेन चीज़ यही है कि इसमें जो आपका एक साउंड सिस्टम हमने ऐड किया है, ये एक एनहांस सिस्टम है जब आप थ्रॉटल करते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में वैसे तो साउंड नहीं होता है, तो इसमें आप FM म्यूज़िक सिस्टम अपना प्ले कर सकते हैं। ये थोड़ा सा एनहांस मॉडल है जो स्पोर्ट्स टाइप में आता है। जी बिल्कुल, ऐसा शायद मैंने भी किसी स्कूटी में नहीं देखा होगा विद म्यूज़िक सिस्टम। पर यदि हम जो फीमेल्स होती हैं खास करके, वो जब स्कूटी में हम ड्राइव करते हैं तो हमें हैंड बैग रखना होता है या हमारा दुपट्टा हो गया, स्टोल हो गया, तो स्पेस के बारे में मैं बात करूँ तो इसकी स्पेस कैपेसिटी कितनी है वो मैं आपसे देखना चाहूँगी। इसकी स्पेस कैपेसिटी आगे भी स्पेस प्रॉपर दिया गया है, आप अपने हैंड बैग्स इसमें एक आपका यहाँ पे भी हो पाएगा, जहाँ पे आप अपना कुछ भी चीज़ आपने अटैच करना है, रखना है, जैसे लेडीज़ जाते हैं शॉपिंग पे जाते हैं तो वो अपना यहाँ पे आराम से दे कैन हुक इट अप। सो हियर इज़ द स्टोरिंग स्पेस, यहाँ पे आप देख सकते हैं देयर इज़ अ एम्पल एम्प्टी स्पेस रहता है। यहाँ पे आप अपना हेलमेट भी स्टोर कर सकते हैं और जो आपका डेली रूटीन का शॉपिंग का सामान हो गया वो भी आप यहाँ पे आराम से रख सकते हैं। तो ये इसी हिसाब से डिज़ाइंस हैं कि डेली रूटीन्स में जो आपका टू एंड फ्रो मूवमेंट हो गया, क्योंकि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स अभी इंडिया में बहुत ज़्यादा एग्रेसिव भी नहीं आ रहे हैं। अभी भी हम देखते हैं आपका जो जितना भी स्कूटीज़ है या बाइक्स है, पेट्रोल में बहुत ज़्यादा है। ये कंसेप्ट वही है कि वी वॉन्ट टू प्रमोट इलेक्ट्रिक स्कूटीज़ इन इंडिया, कि आपका एटलीस्ट 100 व्हीकल्स में 10 इनका भी कॉन्ट्रीब्यूशन आए, एंड दैट वॉज अ गवर्नमेंट ऑल्सो टारगेटिंग। तो आपने स्पीगो का ई व्हीकल देखा, अब आपको मैं स्पीगो का CR दिखाती हूँ, यानी कि लोडर दिखाती हूँ। तो आप ये देख सकते हैं कि रेड कलर का स्पीगो का एक लोडर जो है वो सामने आपको दिखाई दे रहा है। लुक वाइज आप देख सकते हैं कि ये कहीं से भी लोडर नहीं लग रहा, बल्कि ये देखने में बिल्कुल एक ई व्हीकल की ही तरह दिख रहा है, ई व्हीकल रिक्शा ही लग रहा है। पर आप यदि इसके बैक साइड में नज़र डालेंगे तो आपको दिखेगा कि काफ़ी ज़्यादा स्पेस है, लोडिंग कैपेसिटी इसकी बहुत ज़्यादा है, स्पेसियस बहुत ज़्यादा है, जिसमें आप ईजिली अपना सामान रख के कैरी कर सकते हैं। CR देख रहे हैं हम, CR की क्या खासियत है? छोटा सा है, कॉम्पैक्ट सा है, पर नज़र में आ रहा है कि बहुत ज़्यादा स्पेस भी है, स्पेसियस लग रहा है, तो किस तरीके से इसे डिज़ाइन किया गया है? मैम, डिज़ाइनिंग इसकी बेसिकली जो गुड्स के लिए फैक्ट्रीज को बहुत यूसेज होती है, एंड गैस प्रोवाइडर्स जैसे सिलेंडर्स होते हैं, बिल्डिंग मटेरियल्स वाले होते हैं, उन सब के लिए बहुत ये एक अच्छा सोर्स है मटेरियल को इधर से उधर मूव करने के लिए।
एंड साथ में इसमें बहुत हम प्रोविजंस देते हैं, लाइक फूड कार्ट्स भी लोग बनाना चाहते हैं, फूड वेंडर्स आजकल अपनी शॉप्स लगा के स्ट्रीट पे फूड सेल करते हैं, तो उसके लिए भी इसके अंदर कस्टमाइजेशन होके सारा प्रोडक्ट उस हिसाब से डेवलप हो जाता है। जी, तो दिखने में इतना कॉम्पैक्ट सा लग रहा है, पर ये बहुत बड़े ही काम की चीज है, ऐसा कह सकते हैं। तो भाई, कई बार ऐसा देखा जाता है कि हमें यदि अपना कुछ सामान मूव करना होता है तो कार में यदि स्पेस नहीं है, या पर्सनल या प्रोफेशनल भी कुछ सामान मूव करना होता है तो हमें छोटा सा कॉम्पैक्ट सा लोडर चाहिए होता है। तो यदि आप कुछ ऐसे लोडर्स की रिक्वायरमेंट अपने लाइफ में रखते हैं तो आपके लिए स्पीगो से बेटर कोई और ऑप्शन नहीं हो सकता। यदि लॉक की बात करूँ तो मैं आपको दिखाना चाहूँगी, ईजिली जो इसका लॉक है वो खुल सकता है, और खुलने के बाद आप ईजिली अपना सामान इसके अंदर डाल सकते हैं। तो इससे जिस तरीके से डिज़ाइन किया गया है, नो डाउट पब्लिक की कन्वीनियंट के हिसाब से डिज़ाइन किया गया है, पर डिज़ाइन के साथ साथ कैपेसिटी की आपने बात बताई, पर यदि इसकी बॉडी पार्ट और कितने देर में इसकी बैटरी चार्ज होती है इसके बारे में बात करें तो क्या कुछ इसकी खासियत है? मैम, बॉडी पार्ट्स के रिगार्डिंग जो मेन फ्रेम होता है हमारा, जिसको हम चेसिस बोलते हैं, चेसिस इसका हमने बहुत हैवी स्ट्रक्चर पर डिज़ाइन किया है, एक अच्छा टेक्निकल उसमें हमने कुछ दिमाग लगाया है, जिसके हिसाब से हमने इसके डिज़ाइनिंग बहुत एक टेक्निकली साउंड की है, जिसे लोड कैपेसिटी बहुत अच्छी बियर करता है। एंड स्पेयर पार्ट्स तो मैंने आपको दिखाया, हम लोग ई रिक्शाज में भी सारा अपना कस्टमाइज लेते हैं, OEM स्टैंडर्ड्स पे अपने हिसाब से हम लोग बनवाते हैं सारा स्पेयर पार्ट्स। एंड इसमें भी हम लोग सेम अपने लोगोज में, अपने मोल्ड्स पे अपना सारा स्पेयर पार्ट बनाते हैं, एंड बहुत अच्छा लोडर बनाया गया है। तो पर यदि से चार्ज की बात करूँ तो कितने घंटे इसकी बैटरी को चार्ज करना पड़ता है? मैम, चार्जिंग टाइम इसमें 7 to 8 hours का लगता है, ओवरनाइट चार्जिंग होती है, बेसिकली ऑटोमेटिक चार्जर्स होते हैं, जो रिक्शा पुलर्स होते हैं वो चार्ज में लगा के रात को इसको आराम से सो सकते हैं, मतलब 7-8 घंटे में इजिली अच्छे से चार्ज हो जाता है, वो ऑटोमेटिक चार्ज होता है, आफ्टर चार्जिंग वो कट हो जाता है चार्ज। ये हमें कैसे समझ में आता है कि इसकी जो चार्ज है वो खत्म होने वाली, कोई इंडिकेटर या कुछ ऐसा इसमें बनाया है? मीटर्स में इसमें आपको मैं दिखाऊँ अगर, तो इसमें मीटर्स में बहुत दिए गए हैं, जो रेड LEDs हैं, ये रेड LEDs हमारे बैटरी के इंडिकेशन को दिखाती हैं, जैसे जैसे इसकी बैटरी कंज्यूम होती जाती है एक एक करके रेड LEDs बंद होती जाती हैं, जब उसकी 2 या 3 points बचे होते हैं तो उसे पता होता है मेरा खत्म होने वाला है तो मुझे घर जाना चाहिए। जैसे इंजन में हम देखते हैं कि फ्यूल खत्म होने वाला है, अपनी गाड़ियों में फ्यूल खत्म होने वाला है वो इंडिकेटर आता है, तो वही इंडिकेटर से हम समझ सकते हैं कि इसकी जो बैटरी है वो खत्म होने वाली है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया।